हेलो एवरीवन। तो यार अभी काफ़ी दिन से मैं कंटिन्यूसली लाइव आ रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आप सभी के बहुत सारे डाउट क्वेरीज क्लियर कर लेता हूँ। लेकिन काफ़ी लोग इंडिविजुअल काउंसलिंग की डिमांड कर रहे थे। दो तरह से काउंसलिंग प्रोसेस अभी चल रहा है, कुछ जगह 10+2 की भी हाफ पर जो मेजोरिटी ऑफ जगह चल रहा है, और देन कुछ जगह अभी जेई के लिए भी स्टार्ट हो गया है कि मतलब कुछ कुछ पोर्टल्स ओपन हो गए हैं। तो जो भी लोग मेरे से इंडिविजुअली कॉलेज प्रिडिक्शन करना चाह रहे हैं, कॉलेज कंपेरिजन करना चाह रहे हैं, वो दो कॉलेज के बीच में कंफ्यूज हैं कि सर जेपी में लेना चाहिए कि थापर में लेना चाहिए या मणिपाल में लेना चाहिए, बिकॉज जेपी थापर मणिपाल की काउंसलिंग ऑन गोइंग है, पैरेलल काउंसलिंग चल रहा है, इनमें से हमारे लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी प्रोफाइलिंग के हिसाब से आपको कौन सा बेस्ट कॉलेज ऑप्शन मिल सकता है, कौन सी ब्रांच मिल सकती है, तो यार आज एक आप सभी के लिए एक ऑफर निकाला हुआ है। वैसे तो फिलहाल हमारी जो बेसिक काउंसलिंग फीस है कॉलेज काउंसलिंग की वो 1100 रुपीज़ रहती है, लेकिन ओनली फॉर टुडे 500 रुपीज़ का है, और फर्स्ट 20 कैंडिडेट ही कंसिडर किए जाएंगे। तो जाकर रजिस्टर करो, जिसको जिसको भी रजिस्ट्रेशन करना है, जो भी इंडिविजुअल काउंसलिंग होगी 30 मिनट का आपको हमारे साथ में लाइव सेशन मिलेगा। और आप कोशिश करो कि आप अपने पेरेंट्स के साथ में मेरे साथ में बैठ कर डिस्कस करो आपको फाइनली क्या करना है, कि कौन सा कॉलेज कौन सी ब्रांच डिसाइड करनी है, जेई में आपने 95 स्कोर कर रखा है, 90 कर रखा है, उसके बिहाफ पर आपको क्या कॉलेज मिल सकता है, जोसा के बिहाफ पर क्या मिल सकता है, सीएसएबी के बिहाफ पर क्या मिल सकता है, आपको प्राइवेट कॉलेज लेना चाहिए कि गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहिए, कौन सा इंस्टीट्यूट लेना चाहिए, बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है। तो वो सारे कन्फ्यूजन हम आपके डाउट और क्वेरीज सारे क्लियर करेंगे। तो बाय बाय, लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए।